दस दिए कि चोरों ने गोलक तोड़न की इतने नाकाम कोशिश की है। सो कोशिश जी है कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन सीसीटीवी दे तस्वीर जरूर कैद हुई ने किस तरह ताले तोड़ के चोर जो अंदर दाखिल होए, जिन्हों की गिनती दो फिलहाल दसी जा रही है। सो दस दे कि इतने सीसीटीवी दे विच कैद पूरी वारदात हुई है। गुरुद्वारा साहब चो एलसीडी लेके चोर पर फरार हो गए, ताले तोड़ गुरुद्वारा साहब च चोर वड़े। तो तस्वीर तुसी वेख रहे हो इन्हां चोरों की गिनती दो फिलहाल जो सीसीटीवी ते कैद हुई है। हाथ हथियार भी फड़े हुए ने, ताले तोड़े इन्होंने और अंदर दाखिल हुए। गोलक तोड़न की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस विच कामयाबी नहीं मिल पाई। तो इत्थे जो एलसीडी लग्या होया सी ओ लेके फरार हो गए, लेकिन किस तरह के नाल इत्थे गुरुद्वारा साहब नूं निशाना बनाया गया चोरों वालों, किस तरह के नाल गुरु घर नूं भी नहीं बख्शा गया, चोरी की इस घटना नूं अंजाम दिता है, ये अपने आप दे विच भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी दी जिहड़ी है उसकी भी जांच की जा रही है, उस आधार पर कार्रवाई करने की गल कही जा रही है। संगत दे विच बेहद जिहड़ा है नमोशी भी पाई जा रही है। चोर आए ने रात, दो जने जो कैमरे दिस रहे ने दरवाजा तोड़ के अंदर वड़े आ। गोलक नूं असीं अगे वी चोर पैंदे सी ते गोलक जिहड़ी पक्की बणाई आ, काफ़ी जिंदरे मारे आ, उन्हां पूरा जोर लाया जिन्हां विचों तीन जिंदरे टुटे, पंज नहीं तोड़ सके। तो जाते जाते वह एल सी डी जिहड़ी वह ला के लै गए आ। रात दो आदमी आए, उन्होंने गोलक भन्नण की कोशिश की चोरी करन की नीयत नाल। गोलक तां टुटी नहीं जाण लगे, वह एल सी डी सी वह चोरी करके लै गए ने। मौके ते पुज्जे आ, सीसीटीवी वगैरह देख के जिहड़े जल्द दोषी गिरफ्तार।